रब रुख करते हैं देश की राजधानी का। आज एक धमाके की आवाज के साथ दिल्ली में सुबह हुई। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास ये ब्लास्ट हुआ। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है, क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान मौकाए वारदात से सफेद पाउडर मिला है। आज करवा चौथ भी है, जबकि दिवाली आने वाली है और त्योहारी सीजन में हुए इस धमाके से दहशत है। आखिर सफेद पाउडर का सच है क्या और क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने मौके से आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। एनर्जी के जो कमांडो हैं, वो अभी भी एक एक जो चप्पा चप्पा को छान रहे हैं, एक एक कोने को यहाँ पर जांचा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे था कौन। सुबह के 7:45 बजे थे, रविवार की वजह से छुट्टी का दिन था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी, लेकिन घड़ी का कांटा जैसे ही 7:45 पर पहुंचा, अचानक धमाका हुआ। कुछ देर के लिए धूल और धुएं का गुब्बार छा गया और जब यह गुब्बार हटा तब तस्वीर साफ हुई। यह धमाका दिल्ली के रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ था। ब्लास्ट की गूंज से आसपास के इलाके थर्रा उठे, आसपास की दुकानों के शीशे चटक गए, पास में खड़ी गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कूल की 18 इंच मोटी दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। सामने आप देख रहे हैं जहां पर एनएसजी के कमांडोज नजर आपको आ रहे हैं, दरअसल वो वही जगह है जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था और दीवार में वहां पर छेद हुआ है। उस जगह जले हुए के निशान जो है वहीं से दिखाई दे रहे हैं। उस जगह क्योंकि वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ था तो उसको बारीकी से वहां पर जांच की जा रही है। वारदात के ठीक 2 मिनट बाद 7:47 पर दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। खबर मिलते ही फौरन स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सीएफएसएल और बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच गए। स्निफर डॉग्स को भी पड़ताल में शामिल किया गया। चप्पे चप्पे की जांच शुरू की गई। मौके से सैंपल इकट्ठा किए जाने लगे। मामला गंभीर था, लिहाजा थोड़ी देर बाद पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड, एनएसजी और एनआईए की टीम भी पहुंच गई। सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी आ चुके थे। कुछ ही देर में अलग अलग एजेंसियों के 200 से ज्यादा जवान वहां जुट गए। पूरा एरिया किसी छावनी जैसा दिखने लगा। सुबह 7:45 के आसपास ये धमाका हुआ था। एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर स्पेशल यूनिट मौके पर पहुंचकर पूरी जांच कर रही थी। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, एक एक चीजों को चेक किया गया है, यहाँ से कई सैंपल्स को उठाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि वो सो रहे थे तभी तेज आवाज आई, उन्हें लगा कि शायद सिलेंडर फटा है, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें धुआं नजर आया, गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। मैंने नया कैमरा लिया था तो मैं उसका कैमरा लेंस ट्राई कर रहा था, फोकस वगैरह उसका चेक कर रहा था, तो तभी अचानक से ये ब्लास्ट होता है और सब कुछ हिला देता है। ब्लास्ट इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सबको एक डर की लहर महसूस होती है, क्योंकि वो नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। आसपास का जो माहौल था वो काफी खराब था। बिल्डिंग के शीशे टूट गए थे जो वहां से 20 मीटर दूर बिल्डिंग से, दीवार टूट गई थी जहां पे ब्लास्ट हुआ और गड्ढा हो गया है, गाड़ियां टूट गई, गाड़ियों के शीशे टूट गए और दुकानों के बोर्ड टूट गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था। एजेंसियों की पड़ताल के दौरान धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर मिला है। अभी ये कहा जा रहा है कि इसे अमोनियम नाइट्रेट, क्लोराइड और कुछ अन्य केमिकल को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। सफेद पाउडर मिला था वो कुछ और नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्राइड, क्लोराइड और कुछ और जो पदार्थ होते हैं उनका मिक्सचर था, यानी कि कई पाउडर्स को मिला करके ये व्हाइट पाउडर बनाया गया था। स्कूल और आसपास से सभी एजेंसियों ने सैंपल लिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को मौके से तारनुमा चीज भी मिली है। अब यह जांच का विषय है कि इसका विस्फोटक में इस्तेमाल हुआ या पहले से वहां गिरा हुआ था। इस मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ स्कूल के पास मौजूद मोबाइल टावर का डेटा खंगाला जा रहा है। कल रात से लेकर आज सुबह 9 बजे तक जितनी कॉल की गई उनका पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे इलाके का डंप डेटा भी लिया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि कल से लेकर सुबह ब्लास्ट होने तक कितने फोन एक्टिव थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस इस मामले में साजिश से इनकार नहीं कर रही है। दिल्ली में यह ब्लास्ट दिवाली से ठीक पहले हुआ है।
त्योहारों का सीजन है, ऐसे में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वैसे दिल्ली में हुए इस धमाके ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी पर हमलावर है, मुंबई के अंडरवर्ल्ड वाला दौर याद दिलाया जा रहा है। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज खबरें आती हैं कि गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बम ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि वो हर चीज पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके। दिल्ली में ब्लास्ट पर जारी सियासी घमासान के बीच इस मामले की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जो जल्द गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।